इन लोगों को मुजफ्फरनगर की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जो जल्द पैसा कमाने के लिए वाहन चुराया करते थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 10 वाहन बरामद किए, जिनमें 9 बाइक और एक स्कूटी शामिल है। इनके पास से हमें 10 वाहन बरामद हुए हैं, 9 बाइक हैं, एक स्कूटी है, और इनके ऊपर कोई अभी पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अभी हम इनकी जानकारी कर रहे हैं कि कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी और जनपद में हो। और जो 10 वाहन बरामद हुए, इसमें से 4 जो हैं वो जनपद मेरठ और जनपद हरिद्वार से चोरी किए हुए हैं, और जो बाकी वाहन हैं हम उनकी भी जानकारी कर रहे हैं कि वो कहां से चोरी किए गए हैं, उसको आगे सम्मिलित किया जाएगा। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल 2 देसी तमंचे और 2 चाकू भी बरामद किए हैं, जिनके बल पर ये लूटपाट किया करते थे। अब पुलिस से सुनिए वाहन चुराने वाले ये कौन है और कहां के रहने वाले हैं। आज थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 4 सदस्यों को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है अमरीश उर्फ काला, अमन पुत्र रमेश, अविनाश पुत्र जसवीर और रजित पुत्र विनोद। इसमें अमरीश, रजित और अविनाश यहीं जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और अमन जो है वो रामराज कस्बा है मेरठ का, वहाँ का रहने वाला है। पुलिस की माने तो जल्द पैसा कमाने के लिए इन्होंने वाहन चोरी का रास्ता चुना था। ये लोग बाइक चुरा कर ग्रामीण इलाकों में जाकर उन लोगों को बेच दिया करते थे, जिन्हें सस्ती कीमत पर बाइक खरीदनी होती थी। ये चोरी करके जो गांव देहात में जो सस्ती बाइक कुछ लोग खरीद लेते हैं 5-10 हज़ार में, जैसा कि इन्होंने अभी पूछताछ में बताया, 5-10 हज़ार में बेच देते थे और उसी से ये फायदा उठाते। कितने वाहन चुरा चुके हैं? 10 इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट की है, और जो इनके और भी अगर कोई सदस्य हों उनके भी हम पूछताछ कर रहे हैं, संभवतः हो सकता है उन्होंने भी कुछ बाइक चुराई। अभी तक इन्होंने 10 एक्सेप्ट। ग्रामीण इलाकों में बाइक्स बेचने की वजह से ये बचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इनका खेल खराब कर दिया। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी गुर्गों को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।